ये वही सूट है जो मैंने साबक के बर्थडे में पहना था और रखा हुआ था, तो मैंने सोचा यही रहा। अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग ना मैंने फजर से स्टार्ट किया है, यानी कि नमाज़ पढ़ने से। तो सबसे पहले ना मैं नमाज़ पढ़ ले रही हूँ, और मेरी कुछ तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है, तो मैंने बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं किया, लेकिन फिर भी जितना किया है उतना आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं थोड़ा सो गई थी, इसके बाद मैं उठी, मम्मी ने चाय बनाई तो फिर मैंने चाय पी। इसके बाद ना मैंने सोचा भैया उठ गए हैं थोड़ी देर बाद, तो भैया को ना नाश्ता दे देते हैं क्योंकि वो थोड़ा लेट उठे हैं। तो जल्दी से मैंने एग बॉईल किए और चाय दे देंगे इन्हें। ये एग और बॉईल, मतलब एग बॉईल खाते हैं चाय पियेंगे। सच में तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन नहीं, आप लोग के साथ तो वीडियो तो शेयर करनी थी, तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा देते हैं और भैया को दे देंगे चाय और अंडे। इसके बाद ना फ्रेंड्स, मशरूम लिए थे तो सोचा मशरूम मटर बना लेते हैं, और फिर मैं आ गई हूँ मशरूम काटने के लिए। मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर दिया था मशरूम को, और इसके बाद इसकी कटिंग कर रही हूँ। जो बहुत छोटे हैं वो मैंने हाफ हाफ कट में करें, और जो थोड़े से बड़े थे उन्हें मैंने और छोटा कर दिया है। मुझे ज़्यादा मशरूम ना छोटे नहीं पसंद है, मुझे थोड़े से बड़े बड़े रहते ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ समझ में तो आए, क्योंकि मशरूम पकने के बाद ना श्रिंक कर जाता है, तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट करती हूँ। इधर अम्मी आ गई थी शुगर की, पापा की दवा बनाने के लिए, तो चलिए आइए ये भी आपको दिखाते हैं ये अम्मी ने कैसे बनाई है। इधर मैं सारी चीज़ों की कटिंग भी कर रही थी, तो करेला अम्मी लेके आई हैं और करेले की कटिंग करेंगे हम। देखिए, करेला लिया है और इसे एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे करेले को कट करके इस तरीके से। बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे। इधर ना मैंने सारी चीज़ों की कटिंग करना शुरू कर दी, प्याज, अदरक, लहसुन, हर चीज़ की कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। अदरक लहसुन भी हमारे पास पिसा नहीं रखा था इस बार, तो ये सोचा चलो कर लेते हैं, वरना ये बहुत ही झंझट का काम है, अगर पेस्ट होता तो बहुत आराम मिलती है। इधर ना फ्रेंड्स, बस ये पापा की जो रेमेडी है ना वो तैयार हो गई है। तो एक टब लिया है और उसमें पापा दोनों पैर रखेंगे अपने, और इसके बाद ना ये रेमेडी जो है ना वो पापा के पैरों में डाल दी जाएगी, यानी जो पिसा हुआ करेला था। और बाकी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ करेला, और इसमें थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करके वो डाल दिया जाएगा। और इस तरीके से पापा को पैरों को अच्छी तरीके से करेले के साथ रगड़ना है, यानी रब करना है। तो अम्मी ने थोड़ा सा पानी लेके वो भी इसमें डाल दिया है, और अच्छे से पापा को बोल दिया है पैर रगड़ने के लिए। तब तक पैर रगड़ना है जब तक आपके हलक में कड़वापन ना लगने लगे, यानी हलक अगर कड़वी लगने लगेगी तो समझ लीजिए ये असर कर रहा है। तो ये पापा ने मोबाइल में देखा था और अम्मी ने भी देखा था, तो ये सोचा चलो ये करते हैं, इससे देखते हैं शुगर कितना कम होता है पापा के। तो पापा बैठ गए करने के लिए, और पैर को रगड़ने के लिए बोला जा रहा है। अम्मी ने बोला कि नीचे से भी रगड़ें और ऊपर से भी पैर को रगड़ते जाएँ। और मैंने तो पापा डरा दिया, मैंने कहा 2 से 3 घंटे लगेंगे 2 से 3 घंटे लगेंगे तब ये जाके कड़वी होगी आपकी हलक, वरना ऐसे तो नहीं होने वाली। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, उसमें दिया है कि 1/2 से 1.5 घंटे तक आपको बैठना है और हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बस बैठ गए पापा रगड़ने के लिए। अब देखिए कितना टाइम लगता है तो अल्लाह ही जानता है। इसके बाद ना मैं किचन में फिर आ गई फ्रेंड्स, और किचन में हमने जो छील की चीज़ें रखी थी उन्हें रफली मैंने सिर्फ चॉप किया है, क्योंकि अभी इन्हें मुझे ग्राइंड भी करना है, मैं दिखाऊंगी आपको। प्याज इतना ख़तरनाक आ रहा है कि बस रुलाने लगता है किचन में, हाओ प्याज को छुओ और रोने लगो। बस टमाटर भी मैंने काट लिए हैं, 2 टमाटर भी मैंने लिए थे। और इधर ना मैंने कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड किया, और इसके बाद जो रफली चीज़ें जो चॉप करी थी, अदरक लहसुन प्याज, और इसके बाद ना हरी मिर्च मैं इसमें शामिल कर दूंगी हल्का सा, बस सॉटे करेंगे हरी मिर्च, और इसके बाद ना टमाटर, ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और मैंने कवर कर दिया था, मैं काजू भूल गई थी, 5-6 मैंने काजू भी इसमें ऐड कर दिए। अच्छे से जब हमारा सारी चीज़ें गल जाएंगी ना, तो हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा ठंडा करने के बाद एक ब्लेंडर जार में इसको अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। फाइन पेस्ट बन के तैयार हो गया है, तो बस उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल मैंने और शामिल किया। इसके बाद ना जो चीज़ मैंने पीस के रखी थी, पेस्ट यानी तैयार करके रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे।
और इसमें सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल करती जाऊंगी, जैसे लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया पाउडर है और फ्रेंड्स हल्दी पाउडर, और रह गया है अब नमक, तो वो भी शामिल कर देंगे। बस सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स सारा मसाला ना बहुत अच्छे से भुन गया है, तो इसमें ऐड कर देंगे मटर। और फ्रेंड्स मटर ना हमारे फ्रोज़न है, इसके बाद इसमें मशरूम भी शामिल कर देंगे, यानी दोनों चीज़ें एक साथ मैंने शामिल करी हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, आप चाहें तो दूध की ग्रेवी बना सकते हैं, और इसमें थोड़ी सी मैं शक्कर ऐड करती हूँ। जैसे मैं पनीर की सब्ज़ी भी बताती हूँ ना, जो भी टमाटर वाली ग्रेवी होती है ना, उसमें अगर आप थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे तो उसकी जो खटास होती है ना उसको बैलेंस करती है, तो इस बात का ख्याल रखें, ज़रूर डालें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जो बर्तन थे, तो ये बर्तन तो समझ लीजिए जब तक किचन में हम लोग रहेंगे बर्तन तो आते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, मतलब इसका तो एक ये होता है ये बंद ही नहीं होते कभी भी। तो खैर बर्तन मैंने सोचा थोड़े से ही हैं लेकिन धो देते हैं, जल्दी जल्दी से मैंने सारे बर्तन धोए। इसके बाद ना तो दो तीन साफियाँ पड़ी थी, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी से ये भी वॉश कर देते हैं अच्छे से, और फिर यहाँ पे सारी धुलाई भी कर देंगे। खाने के साथ साथ ना सारे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप एक चीज़ भी अगर भूल जाएँ तो किचन में समझ लीजिए वो काम ना ख़राब हो जाएगा, यानी हर काम बहुत ज़रूरी है। इधर ना डस्टबिन में धो के रखाई थी बाहर, तो वो भी मैंने ला के रख दिया है। इधर पापा का भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहे थे, तो कहने लगे मैंने कड़वी हुई हलक, तो बोले नहीं हलक तो नहीं कड़वी हुई है लेकिन मेरे पैरों में ईचिंग ज़रूर होने लगी है यानी पैर इतनी देर से भीगेगा किसी कड़वी चीज़ में तो वो तो ना ईचिंग तो होगी ना। तो फिर मम्मी ने अच्छे से इनका वॉश कर दिया पैर, कड़वी नहीं हुई फ्रेंड्स हलक, बहुत देर कम से कम 50 मिनट पापा ने इसी तरीके से बैठे हैं, पता नहीं क्या हुआ, अब चेक करेंगे तो पता चलेगा कितना है। हम लोग यही कह रहे हैं डेली अगर आप ये काम करें फिर एक हफ्ते के बाद हम लोग चेक करेंगे। तो एक मतलब पूरा एक घंटा ऐसे पैर पानी में भिगो रहे, तो पापा का तो पेडिक्योर हो गया मैंने कहा ये तो पेडिक्योर हो गया बहुत अच्छे से, बोले हाँ पैर बिल्कुल साफ़ हो गए हमारे अम्मी खूब अच्छे से रगड़ के पापा के पैर भी बिल्कुल साफ़ कर दिए तो हो गया पापा का पेडिक्योर। और फिर इसके बाद ना फ्रेंड्स बस सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई थी, कस्तूरी मेथी इसमें थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी, और रखी थी अमूल की क्रीम थोड़ी सी हमारे पास, तो वो मैंने शामिल कर दी, ना हो तो दूध की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे गरम मसाला बस, और इसके बाद इसमें कुछ नहीं जाएगा। धनिया पत्ती आपके पास हो तो आप ऐड कर दो, ना हो तो मत ऐड करो, बस थोड़ा सा धनिया पत्ती बाद में ऐड कर देंगे। हो गया सब्ज़ी बन गई हमारी और मैंने रख दी साइड में, अब आती बारी रोटियों की, तो फटाफट से रोटियां भी बना देंगे। और फ्रेंड्स मारिया की तो छुट्टी है, तो मारिया भी हमारे साथ थी क्योंकि 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, तो इन्हें भी खाना खाना था, इन्हें मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मशरूम के लिए मुझसे बोल गई कि मेरे लिए रोटी बना लीजिएगा तो मैंने कहा हाँ मैं बना लूँगी रोटी, ठीक है तुम तो यहीं खाना खाना बस बन गई हमारी फूली फूली रोटियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारी रोटियां फूलती, मुझे इतनी खुशी होती है, मैं आपको दिखा रही हूँ किस किस की रोटियां नहीं फूलती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, और किसकी किसकी फूलती हैं रोटियां वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो बस यहाँ की फिर मैंने अच्छे से सफाई भी कर दी। तो फ्रेंड्स आज है मांझा, घर के पास में ही है, वहाँ जा रहे हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। ये वही सूट है जो मैंने साबक के बर्थडे में पहना था और रखा हुआ था, तो मैंने सोचा यही डाल लेते हैं, तो चलते हैं। बाय बाय गाइस, हम लोग आ गए हैं, हम लोग मतलब तो मैं आ गई हूँ गाइस, मम्मा कहाँ है मेरी, मैं मांझे से होके आ गई हूँ, मुझे मिले हैं ये लड्डू, वहाँ की वीडियो मैंने नहीं शूट करी, मुझे अच्छा ही लगा बनाना, मैं चेंज कर लूँ जल्दी से। और फ्रेंड्स चेंज करने के बाद ना फिर से मैंने खाना बनाया क्योंकि शाम को खाना बनना था, तो बंडा गोश्त अम्मी ने बोला ये बनेगा और तुम अपने लिए खिचड़ी बना लो, तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे हल्का ही खाना खाना था, तो फिर मैंने खिचड़ी बना ली। खिचड़ी फ्रेंड्स हमारी बन के तैयार हो गई, इधर हमारा सालन भी बन के तैयार हो गया है, तो खिचड़ी को फ्राई कर लेंगे। तो बस जीरा और प्याज से मैं फ्राई कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ फ्रेंड्स, इससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली खिचड़ी होती है। सालन देखिए हमारा कम्प्लीट हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत देखने में मज़ा आ रहा है, लेकिन खा तो मैं सकती नहीं हूँ, मैं खाऊंगी खिचड़ी। वैसे भी मैं शाम का खाने में हल्का ही खाना खाती हूँ, तो बस खिचड़ी को अच्छे से फ्राई कर देंगे, इसके बाद खिचड़ी खाएंगे।
चलिए मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।